वर्सेस श्रीलंका एशिया कप का फाइनल मुकाबला दोस्तों आज दोपहर 3 PM को खेला जाएगा। लाजवाब मैच है, लाजवाब मैच दोस्तों इसलिए क्योंकि इसकी नाम राज दोस्तों कर दिया 55 करोड़ रुपए और फर्स्ट रैंक लाने वाले को मिलने वाले 2 करोड़ रुपए। तो आप हाथ में हाथ रखकर मत बैठिए दोस्तों, आपकी जिंदगी संवरने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पर हर दिन हर इंसान का नहीं होता। क्रिकेट एक जैसे अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे आप भाग्य का भी सहारा लेते हैं तो वो भी दोस्तों रोज नहीं चमकती। हर दिन हर इंसान की भाग्य नहीं चमकती, हर दिन हर इंसान का दिन नहीं होता। आप लोग क्रिकेटर से देख रहे होंगे दोस्तों, हर दिन विराट कोहली दोस्तों शतक नहीं मारते थे, हार्दिक सुमन गिल अच्छी पारी नहीं खेल लेते, तो दोस्तों आपके दोस्तों हर दिन क्यों आपके हो सकते। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है दोस्तों कि अच्छी तरह से एक बेस्ट यूनिक टीम बनानी है। आज ये दोपहर 3 PM को मैच वही दोस्तों आपके जाने माने स्टेडियम आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पर होने वाला है, जिसमें सुपर फोर के बहुत सारे मुकाबले आप लोगों ने देखा होगा और पिच के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो गई होगी कि किस प्रकार से पिच बिहेव करती है, हमें दोस्तों किन किन खिलाड़ियों को लेना है और कौन कौन खिलाड़ी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ ही हो गए होंगे किस किस प्रकार के खिलाड़ी यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और किन खिलाड़ियों को लेकर हम करोड़ों रुपए और लाखों रुपए जीत सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर लाखों करोड़ों रुपए का जो आपका सपना है, अगर सपने को हकीकत में बदलना है तो दोस्तों बेस्ट यूनिक टीम के साथ साथ लाजवाब कप्तान उपकप्तान भी बनाने होंगे, क्योंकि दोस्तों जिसकी कप्तान उपकप्तान गिरफ्त में आ जाते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट माई इलेवन सर्कल जैसे ऐसे से करोड़ों और लाखों रुपए वही कमाता है। और दोस्तों जिसके कप्तान उपकप्तान गिरफ्त में नहीं आते वो दोस्तों इससे फूटी कौड़ी नहीं कमाता, ये ड्रीम इलेवन की सच्चाई है दोस्तों। दोस्तों आप लोग गलती करते हो और आपकी गलती का खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। दोस्तों आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल एंट्री ना करें, दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत, आज आपका दिन होने वाला है, आज आप लाखों रुपए कमाने वाले हैं। तो आप दोस्तों गलती कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए की एंट्री करनी है, लाखों और करोड़ों रुपए कमाना है। तो दोस्तों आइए यार हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। कप्तान उपकप्तान का आप गणित समझ जाएंगे तो लाखों नहीं, हैट्रिक वन नहीं, सब कुछ आप हासिल करेंगे दोस्तों, सब कुछ हासिल करेंगे। ड्रीम इलेवन में दोस्तों कप्तान कप्तान का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कप्तान का एक अंक डबल हो जाता है, वह वाइस कैप्टन का एक अंक डेढ़ गुना हो जाता है, जो आपकी रैंक में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है। और जिसकी कप्तान कप्तान गिरफ्त में नहीं आते दोस्तों ड्रीम इलेवन से फूटी कौड़ी नहीं कमा सकता, ये हकीकत है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा खेल कप्तान कप्तान का है दोस्तों, अगर कप्तान कप्तान आपके गिरफ्त में आ गए हैं तो दोस्तों आप जरूर से जरूर दोस्तों यहां पर पैसे कमा जाएंगे दोस्तों, ये 100% है। और अगर कप्तान कप्तान आपके गिरफ्त में नहीं आए तो आप दोस्तों यहां से एक पैसे नहीं कमा सकते, बहुत खींच के ऐसा होगा कि आप जितने रुपए से एंट्री किए हैं शायद वही वापस आ जाए दोस्तों, ये हकीकत होती है। तो आज हम आप लोगों को स्पेशल वीडियो लेकर के आए, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर इस पिच पर आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की पिच के विषय में आप लोग बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। शुरुआत में दोस्तों श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, जहां पर श्रीलंका ने 257 रन बनाए उसके जवाब में दोस्तों बांग्लादेश 236 पर ऑल आउट हो गई। वहीं पर दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां इंडिया ने 356 रन बनाए, वही दोस्तों पाकिस्तान 128 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देखा होगा, इंडिया ने 213 रन बनाए और श्रीलंका 171 पर ऑल आउट हो गई। वहां पर आप पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में देखा होगा डगलस लुईस के नियम के अनुसार 252 रन का 42 ओवर में लक्ष्य मिला, उसको श्रीलंका ने हासिल करके दोस्तों फाइनल में इंडिया के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, वहां पर दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से दोस्तों बांग्लादेश ने 265 रन बनाए, वो इंडिया नहीं बना सकी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस पिच का कैसा रिकॉर्ड है। यहां पर इस पिच पर दोस्तों अगर आर प्रेमदासा स्टेडियम की बात करें तो यहां पर दोस्तों जो हाईएस्ट स्कोर बना है वो 375 रन का, वो भी दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में है। और दोस्तों लोएस्ट स्कोर यहाँ 77 है जो श्रीलंका वर्सेस कोलंबो के बीच है। यहां पर इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर दोस्तों
250 से 260 रन है। वही सेकंड पारी का औसत स्कोर 220 से 230 के तकरीबन दोस्तों माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग पिच रिपोर्ट के विषय में बहुत ही ज्यादा वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि आप अगर दोस्तों क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एशिया कप के सुपर बॉल मुकाबले जरूर देखे होंगे। तो आपको कुछ बात बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि किस प्रकार से, और जो भी टीम यहां पर टॉस जीतती है ज्यादातर दोस्तों बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है, क्योंकि सेकेंड दोस्तों इनिंग पर बीच के ओवरों में दोस्तों स्पिन को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जिससे दोस्तों टीम पूरी तरह से ताश की पत्तों की तरह बिखर जाती है। और यह का रिकॉर्ड ये रहा दोस्तों कि पहले बल्लेबाजी जिसने की है वो ज्यादा बार जीता है। अगर पहले बल्लेबाजी करने की बात करें तो 60% मैच जीते गए हैं, वही सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 40% मैच जीते गए। तो यहां पर जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। दोस्तों इंडिया ने देखिएगा बांग्लादेश के खिलाफ वही गलती की थी कि टॉस जीतने के बाद दोस्तों बॉलिंग ले ली, उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग भी ये गलती ना कीजिए, टॉस के हिसाब से भी टीम बना सकते हैं। टॉस देखना, टॉस बहुत बड़ा रोल यहां पर अदा करने वाला है। तो आप लोग समझ जाइएगा टॉस कौन जीत रहा है। जो टॉस जीत रहा है उस वहां पर उस दोस्तों टीम की बैटिंग अच्छी होगी, अर्थात उस टीम के आप बैट्समैन ज्यादा सुटेबल ऑलराउंडर लीजिए। और जो टीम दोस्तों बॉलिंग कर रही है दोस्तों वहां पर आप जाइएगा सेकेंड इनिंग के ऑलराउंडर और दोस्तों फिरकी गेंदबाजों को अर्थात स्पिन गेंदबाजों को उठाइएगा, एक बिस्ट यूनिक टीम बन जाएगी और लाजवाब तरीके से आप लाखों करोड़ों कमा जाएंगे। दोस्तों आज हम स्पेशल कप्तान उपकप्तान का वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों ये देखिएगा आज कप्तान उपकप्तान किस प्रकार बनाना है। हमने इंडिया के टॉप 6 खिलाड़ियों को लिया है, वही दोस्तों श्रीलंका के भी टॉप 6 खिलाड़ियों को लिया है जो कप्तान उपकप्तान बनने की बिल्कुल रेस में है, उन खिलाड़ियों को हमने लिया है। दोस्तों देखिए आज इनका हम सिलेक्शन परसेंट, कैप्टन सिलेक्शन परसेंट, वाइस कैप्टन सिलेक्शन परसेंट सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों आप क्या करना, वीडियो को स्किप मत करना। आज दोस्तों एक एक खिलाड़ी के हम पोल पट्टे खोलने वाले हैं। देखिए इंडिया की तरफ से हमने टॉप 6 खिलाड़ी किसको लिया है, केएल राहुल को लिया है, विराट कोहली को लिया है, रोहित शर्मा को लिया है, सुमन गिल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव होंगे। वही दोस्तों श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका, एस समर विक्रमा, डी सिल्वा, डी वेलालगे, एम पथिराना होंगे। तो दोस्तों आज हम पूरी तरह से पोल पट्टी खोलने वाले हैं और इन खिलाड़ियों ने पिछले मैचों में किस प्रकार का प्रदर्शन किया है वो भी हम बताने वाले हैं। तो आओ चलते हैं, देखिए इंडिया की तरफ केएल राहुल दोस्तों पिछले मैचों में अच्छा करते आए हैं और जब से वापसी हुई है तब से केएल राहुल ने बहुत ही शानदार पाकिस्तान के खिलाफ तो 111 रन की शानदार पारी खेली। इनका सिलेक्शन पर 78.13 है, 4.61% लोग कप्तान, वही 5.18% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब विराट कोहली की बात करें तो पाकिस्तान के अलावा ये दोस्तों अभी तक फ्लॉप रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही शानदार पारी 122 रन की खेली, उसके बाद दोस्तों दोस्तों फ्लॉप रहे। परंतु ये आपके लिए ट्रंप प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। 78.49 है, 19.49% लोग कप्तान, वही 10.99% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने टीम का नेतृत्व तो करने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा की तरफ। इनका सिलेक्शन पर्सन 71.22 है, 15.25 लोग कप्तान, वही 6.29% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब बात आती है सुमन गिल की, तो सुमन गिल का सिलेक्शन पर्सन 75.56 है, 14.92% लोग कप्तान, वही 10% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अक्षर पटेल की बात करें 6.23% है, 0.20% कप्तान, वही 0.30% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब बात आती कुलदीप यादव की, 78.98 दोस्तों, 9.56% लोग कप्तान, वही 16.06% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने इंडिया के टॉप 6 खिलाड़ियों के विषय में चर्चा किया है, आप चलते हैं श्रीलंका टीम की तरफ। तो श्रीलंका में देखिए कुशल मेंडिस है जिनका सिलेक्शन परसेंट 79.07 है, 4.60% लोग कप्तान, वही 6.55% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। आप चलते हैं प्रथम निशंका, दोस्तों ओपनिंग के लिए जाते हैं प्रथम निशंका और कुशल परेरा,
दोस्तों ओपनिंग के लिए आएंगे, 25.56% का सिलेक्शन परसेंट है, 0.98% लोग कप्तान, वही 1.28% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब बात आती है एस समर विक्रमा की दोस्तों, एस समर विक्रमा में 33% इनका सिलेक्शन परसेंट है, 0.94% लोग कप्तान, वही 1.34% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। डीडी सिल्वा की बात करें, धनंजय डी सिल्वा कहते हैं 36.49% का सिलेक्शन परसेंट है, 0.99% लोग कप्तान, वही 1.74% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। डी विलालेके की बात करते हैं, 82.36% इनका सिलेक्शन परसेंट है, 12.39% लोग कप्तान, वही 13.99% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। एम पथिराना की बात करते हैं तो इनको उनका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों 59.39 है, वही 1.15% लोग कप्तान, वही 3.09% लोग इन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको दोनों टीमों के टॉप सिक्स खिलाड़ी को विषय में हम बारीकी से चर्चा किया दोस्तों। बारीकी की चर्चा करने से कुछ नहीं होता, अब हम आपको दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं, बनाते हैं बेस्ट कप्तान कप्तान। आज हम किस प्रकार से कप्तान कप्तान बनाएंगे, दो प्रकार से बनाएंगे, एक हमारी होगी सेफ टीम और दूसरी होगी रिस्की टीम। सेफ टीम का मतलब दोस्तों ये होता है जो लोग केवल इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं और ये सोचते हैं कि हमने जितने रुपए से एंट्री किए वही वापस आ जाए, तो सेफ टीम सोम सेफ जोन पर जा सकते हैं। और जो लोग दोस्तों रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क लेंगे तभी दोस्तों रिवार्ड आपको मिलेगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो जीवन में आपको रिवार्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप पहले से घबराए हुए हैं और जब इंसान पहले से दोस्तों डरता है तो वह स्वच्छंद से काम ही नहीं करता, और जब दोस्तों वह स्वच्छंद तरीके से काम नहीं करेगा, मन लगाकर काम नहीं करेगा, एट लास्ट में उसे असफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों और चलते हैं, किसको बनाना है कप्तान, किसको बनाना है वाइस कैप्टन, इसके विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आओ चलते हैं, हम दो प्रकार से आज कप्तान कप्तान बनाने वाले हैं, एक होगी हमारी सेफ जोन, एक होगी दोस्तों हमारी दोस्तों रिस्की जोन। तो यहां पर देखिए हम सेफ टीम के कप्तान आज किसको बनाते हैं, तो यहां पर दोस्तों आज हम विराट कोहली और या दोस्तों विराट कोहली या दोस्तों यहां पर कुशल मेंडिस को हम दोस्तों यहां पर बनाएंगे कप्तान। वही वाइस कैप्टन की बात करें, उप कप्तान की बात करें, तो यहां पर उप कप्तान के जगह पर हम कुलदीप यादव या दोस्तों डी वेला लगे को हम बनाएंगे उप कप्तान बनाएंगे। इसके बाद रिस्की टीम की तरफ चलते हैं, तो रिस्की टीम में हम आज फिर से एक बार चलेंगे रोहित शर्मा या सुमन गिल को बनाएंगे कप्तान। वहीं पर दोस्तों यहां पर उप कप्तान के रूप में डी सिल्वा को लेंगे या दोस्तों यहां पर हम राहुल को ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने आपको ये दिया वीडियो, ये एक हमारा दोस्तों एनालिसिस वीडियो होता है जो लगातार अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद 2-3 घंटे की मेहनत करने के बाद दोस्तों हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जो हमारा फाइनल टीम होगी, फाइनल कप्तान कप्तान होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी कब, टॉस होने के मात्र 10 मिनट बाद। आप लोग जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर देने वाले, तो आप लोग जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।